हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निखिल आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी और प्रेरक कहानी। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम जाने और अनजाने में भगवान को उस चीज के लिए दोषी ठहराने लग जाते हैं और बार बार यह सवाल करते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। हे भगवान, तू हर बार मुझे ही विपरीत हालातों के लिए क्यों चुनता है? तो इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो शायद भगवान के लिए आपकी सोच को बदल दे। एक बार एक मनुष्य और भगवान समुद्र के किनारे साथ साथ पैदल चल रहे थे। मनुष्य को भगवान के होने का एहसास उनके पैरों के निशानों से हो रहा था। तो मनुष्य चलते चलते भगवान से एक सवाल करता है कि प्रभु, एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि संकट के समय में ही मनुष्य भगवान को सबसे ज्यादा याद करता है? तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शायद मनुष्य को यह लगता है कि संकट के समय मैं उसका साथ छोड़ देता हूं, इसलिए मुश्किल हालातों में वह मुझे सबसे ज्यादा याद करता है। थोड़ी दूर चलने पर समुद्र के अंदर तूफानी लहरें उठने लग जाती है और देखते ही देखते समुद्र का तूफान समुद्र किनारे आ जाता है और मनुष्य धीरे धीरे घुटनों तक दलदल में फंसने लग जाता है और वह घबरा जाता है। और वह देखता है कि इतनी देर तक जब उसे दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, अब केवल एक ही पैरों के निशान हैं। तो वह घबराता हुआ सोचता है कि भगवान उसके पास से चले गए हैं और वह भगवान को कोसने लग जाता है। धीरे धीरे वह दलदल में गर्दन तक धंस जाता है और अब वह भगवान को और भी ज्यादा कोसता है कि इतने मुश्किल हालात में तूने मेरा साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वह तूफान थमने लग जाता है और मनुष्य का वापस दलदल घुटने तक आ जाता है और देखते ही देखते मनुष्य दलदल से बाहर आ जाता है। जैसे ही मनुष्य दलदल से बाहर निकलता है, उसे वापस दो पैरों के निशान एक साथ दिखाई देने लग जाते हैं। तो मनुष्य यह कहता है कि हे भगवान, तुम इतने देर कहाँ थे जब यह समुद्र का दलदल मेरी गर्दन तक आ चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? वह भगवान को कोसने लग जाता है। तो भगवान मनुष्य से ये कहते हैं कि तुझे यह कैसे पता कि मैं यहाँ से चला गया था और इस मुश्किल हालात में मैंने तेरा साथ छोड़ दिया? तो मनुष्य कहता है कि जब तक तूफान नहीं आया था, मुझे अपने और आपके दो अलग-अलग पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं दलदल में धंसा, मुझे केवल दो पैरों के निशान ही दिखाई दिए जो कि मेरे थे। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि बेवकूफ मनुष्य, जब तूफान आया और तू दलदल में धंसने लग गया तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था और जो पैरों के निशान तुझे दिखाई दे रहे थे वह तेरे नहीं थे, वह सिर्फ मेरे थे। और जैसे ही तूफान थम गया और मुझे लगा कि अब तू सुरक्षित है, मैंने तुझे वापस जमीन पर लाकर छोड़ दिया, इसलिए तुझे वापस दो इंसानों दो पैरों के निशान एक साथ दिखाई देने लग गए। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ जीवन में हमारे साथ भी होता है। हम थोड़ी सी दुर्घटना या मुश्किल हालातों में भगवान के ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं। इसलिए जब भी आपके पास मुश्किल हालात आए, आप जिस भी भगवान इष्ट देव को मानते हैं उस पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि जो आपको मुश्किल हालातों में डालता है वही आपको उस मुश्किल हालातों में निकालता है और यही मुश्किल हालात आपको एक संघर्षशील मनुष्य और ठोस मनुष्य बनाकर जीवन में नया रूप लेकर आते हैं। तो यह थी एक छोटी सी कहानी। ऐसी ही नई कहानी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।